अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। चलिए सब बच्चे अपना पहला कायदा खोलें। जी हाँ, आज हम करने जा रहे हैं पहला कायदा का सफ़ा नंबर 13। सफ़ा नंबर 13, और आज का जो हमारा हर्फ है वो है ते। क्या है ये? ते। जी हाँ, ते की आवाज़ है त। क्या आवाज़ है इसकी? त। इसकी पहचान है कि इसके ऊपर एक दो 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 नुक्ते होते हैं। ते के ऊपर दो नुक्ते होते हैं, ये इसकी पहचान है, और इसकी आवाज़ है त। त तराजू, त तराजू, त तराजू। मेरे साथ मिलकर पढ़े, त तराजू। त ताला, त ताला, त ताला। और बच्चों नीचे देखिए, यहाँ ये कुछ इशकाल दी गई हैं, ये सारी के सारी ते की छोटी इशकाल हैं। जब हम कोई हर्फ से लफ्ज़ बनाते हैं तो हमें अक्सर औकात ते की छोटी शक्ल की ज़रूरत होती है। तो ये देखिए, यहाँ मुख्तलिफ तरीक़ों से ते की छोटी शक्ल दी गई है, और उसकी पहचान से हमें पता चलता है कि ये ते है। ते की पहचान, ते के ऊपर दो नुक्ते होते हैं। ठीक है बच्चों, चले आए कुछ मुख्तलिफ हरूफ के साथ हम ते को मिलाकर उसकी आवाज़ मालूम करते हैं। त आ, त की छोटी शक्ल ये वाली ली है। त आ, त आ ता। यहाँ अलग अलग थे त और आ, यहाँ जुड़ गए हैं तो हम इनकी एक साथ ही आवाज़ बनाएंगे, क्योंकि ये एक साथ मिल गए हैं। त आ ता, त व, त व। त की छोटी शक्ल ये वाली ली है उन्होंने। त व तो, त व तो। ये देखिए बच्चे, मैंने आपको बताया आ की आवाज़ आए तो हमारा मुंह ऊपर की तरफ खुलता है। ता, ये हर्फ त के साथ आ जुड़ा तो उसने उस त को ता बना दिया। और व की जहाँ भी आवाज़ आए किसी हर्फ के साथ जुड़े, तो ओ की तरह हमारे होंठ गोल हो जाते हैं। त व तो। ठीक है, यहाँ आ जुड़ा तो ता, यहाँ व जुड़ा तो। ठीक है, त आ ता, त व तो, त आ ता, त व तो। एक दफ़ा मेरे साथ मिलकर पढ़े सब बच्चे, त आ ता, त व तो, त आ ता, त व तो, त आ ता, त व तो, त आ ता, त व तो। तो बच्चों आज का सबक आपका यहीं तक है। आपने इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ते की आवाज़ आपको अच्छे से मालूम होनी चाहिए कि ते की आवाज़ क्या है। ते की पहचान का के बारे में आपको बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए। और आपने ये जो आज हमने ता और तो पढ़ना और लिखना सीखा है, इसकी मश्क करनी है अपनी रफ कॉपीज़ पे। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।